दोस्तों SBI जूनियर एसोसिएट प्री एग्जाम मेन एग्जाम और रिजल्ट को लेकर के आप सभी के लिए कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। आप सभी को इस वीडियो से मोटिवेशन मिलेगा। आप में से जितने सारे कैंडिडेट ने जो है प्री एग्जाम दे दिया है, आप सब लोग जो है मेन एग्जाम के लिए जो है लग जाइए, अच्छे से मेन का प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि SBI जो है 100 ड्यूरेशन में जो है एग्जाम को कंडक्ट कराता है। और आप में से जितने सारे कैंडिडेट का अभी तक जो है प्री एग्जाम नहीं हुआ है, आप सभी को जो है प्री एग्जाम के लिए रेडी रहना है। आप सभी को सेकेंड वीक तक जो है SBI का प्री एग्जाम जो है हो सकता है, ऐसा जो है SBI प्लानिंग कर रहा है। आप सभी को पता है कि अपना IBPS RRB का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और इसी बीच में जो है SBI प्री एग्जाम जो है कंडक्ट करवाएगा। मेन एग्जाम की बात करें तो SBI प्लानिंग कर रहा है कि इसी मंथ में जो है एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि आगे जो है अपना IBPS PO का एग्जाम आ जाएगा, क्लर्क का एग्जाम आ जाएगा, तो इसी मंथ में जो है प्लानिंग कर रहा है SBI कंडक्ट करने के लिए। तो आप सब लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है हमेशा पूछते रहते हैं कि सर प्री रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों जैसे जो है अपना रिमेनिंग सेंटर का एग्जाम है वो हो जाएगा, उसके 8 से 10 दिन के बाद आपका जो है प्री का रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा जो है SBI के तरफ से जो है इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो आप सभी लोग को जो है एग्जाम के लिए रेडी रहना है। दोस्तों मैं आप सभी को हमेशा जो है रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है मैं शेयर करता हूं, ताकि आप सब लोग जो है अच्छे से मोटिवेट होकर के प्रिपरेशन करें और आपको जो है आपके एग्जाम में सफलता मिले। तो आप न्यू कैंडिडेट हैं तो चैनल से आप जरूर जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके मेमोरी बेस्ड पेपर का लिंक दिया हूं, आप उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और आप सभी को ग्रेड अप का जो ग्रीन कार्ड टेस्ट सजेस्ट किया था, आप उसको सब्सक्रिप्शन नहीं लिए तो जरूर ले लीजिएगा, आपको सभी एग्जाम में जो है आपको हेल्प होगा। SBI PO एग्जाम के लिए, LIC एग्जाम के लिए, SBI क्लर्क मेन एग्जाम के लिए, यानी सभी एग्जाम जितने अपकमिंग एग्जाम है उसमें आपको हेल्प होगा। नॉमिनल प्राइस में उसको ले लीजिए और SBI क्लर्क के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ पर आप आसानी से जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। आपका कितना भी अटेम्प्ट हुआ है, आप अटेम्प्ट के बारे में मत सोचिए, आपने बेस्ट देकर के आया था, आपका प्री जो है जरूर क्लियर होगा। आप मेन के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, करेंट अफेयर का टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ से आपको जो है अच्छा मार्क्स आ सकता है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दीजिए। आप पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ईमेल ID दिया हूँ, वहाँ पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आप सभी को पर्सनली जो है गाइड करूँगा। लास्ट टाइम अपने चैनल से काफ़ी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, इस बार भी जो है काफ़ी आप में से कैंडिडेट डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस बार भी जो है काफ़ी अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। तो मेहनत कीजिए, एग्जाम जो है जल्दी होने वाला है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।